हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 8.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ठीक है, ये रेशियो हैं, इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना जाकर। ठीक है, और चलिए करते हैं। तो जब अगर रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है, देखो इसका अलग अलग नहीं पूछ रहा है कि 3 को कन्वर्ट करो, 4 को कन्वर्ट करो। अगर बोलता कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज ईच पार्ट, अगर दोनों को कन्वर्ट करने के लिए बोलता तब हम ऐसे करते। 3 का कन्वर्जन जब करते तो लिखते 3/4 और 3 ऐड करके 7/100। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकालते तो ये 4 का होता 4/7/100, अगर दोनों को अलग अलग कन्वर्ट कराते। लेकिन यहाँ अलग अलग कन्वर्ट नहीं करना है, इस पूरे रेशियो को ही कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में। जब पूरे रेशियो को ही कन्वर्ट करना है तब नीचे जो है वो ऐड करके नहीं लिखना है 3 और 4 को, तब ऐसे ही लिख देना है। कैसे? रेशियो मीन्स अपॉन, एक रेशियो का एक मीनिंग अपॉन भी होता है। ठीक है, तो इसको हम 3:4 लिख सकते हैं, 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। और जब फ्रैक्शन बन गया तो परसेंट निकालना बहुत आसान है। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए केवल क्या करना पड़ता है, इनटू हंड्रेड करना पड़ता है। अब कट रहा है तो काट दो, 4 से 100 डायरेक्ट कटता है बेटा 25 बार। ठीक, ये याद कर लो, कुछ आपको याद होना चाहिए कटने वाले। जैसे 5 होता तो 5 से 100 कटता है 20 बार, 4 से कटता है 25 बार, और 25 ऊपर बचा, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, 25 3 जा 75। अब ये बन गया परसेंटेज, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, यही आपका आंसर है 75%। इसको जब हम लोग परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 × 100। अब इंटू से 100 करते ही ये क्या बन गया, आपका परसेंटेज बन गया। ठीक है, तो कट तो नहीं रहा है, 3 से ना तो 2 कट रहा है ना 100 कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कट रहा है तो 100 2 जा 200/3%। लेकिन आंसर आपका ऐसे में थोड़ी आएगा, तो आंसर निकालने के लिए हमें डिवाइड करेंगे। नीचे जो 3 है, इसका मतलब 3 से 200 को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। चलो डिवाइड करते हैं, 200/3 कितनी बार जाएगा, पहले 3 6 18, 6 बार गया ना, कितना बचा यहाँ पर 2, यहाँ क्या उतारेंगे 0, फिर कितनी बार जाएगा 3 6 18, यहाँ कितना बचा 2। अब हम क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 3 6 18, 2 बचेगा, अब पॉइंट लग ही चुका है तो फिर 0 बढ़ाएंगे। ऐसे करते करते ये 6 6 6 आता ही रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। अगर जब भी किसी परसेंट फ्रैक्शन को आप चेंज करना चाहो डेसिमल में, और डेसिमल कोई ऐसा हो कि जहाँ पर ख़त्म ही ना हो, ये 6 6 आता चला ही जाए, तो ऐसे कंडीशन में डेसिमल हम लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम डेसिमल लगाएंगे ही नहीं, तो बिना डेसिमल के हमारा कहाँ तक सॉल्व हुआ था, यहाँ तक सॉल्व हुआ था। तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, ये इक्वल टू का सिंबल लगा देना, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, जितनी बार गया है ये क्वाटेंट जो है इसको हम आगे लिखेंगे। ठीक, नीचे जो रहता है वही लिखेंगे, 3 है ना तो 3 ही लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचता है इसको सबसे नीचे वाले को हम सबसे ऊपर लेके चले जाते हैं, 2 को हम लिख देंगे ऊपर। ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आंसर, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें आंसर नहीं देना है। इम्प्रॉपर यानी कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो आंसर उसमें नहीं देना है, हम उसको मिक्स में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो वैसे आंसर दे देते। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता 3/200 होता तब इसको ऐसे ही आंसर दे देते, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो आप उसको मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसे में आंसर दीजिए 66/2/3%। ठीक है, इसमें 2 ही पार्ट थे। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।